की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद भारी उठापटक देने के संकेत हैं। एक ओर जहां नीतीश कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा का विलय जेडीयू में करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारी भी पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी तक ना ही उपेंद्र कुशवाहा और ना ही जेडीयू की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, आधिकारिक पुष्टि की गई है। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी लगातार हमलावर रहे हैं। आपको बता दें कि रालोसपा बिहार चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सफलता नहीं मिलने के कारण जेडीयू अब अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में भी नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि राज्य में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सभी सीटें भर गई हैं। ऐसे में सिर्फ विधान परिषद की 18 सीटें खाली हैं। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान रालोसपा का विलय जेडीयू में हो सकता है, तो जेडीयू रालोसपा को विधान परिषद के लिए भेज सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि इस तरह की राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद रालोसपा का विलय जेडीयू में हो सकता है, क्योंकि पूर्व में भी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोसपा, वो नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं, लेकिन अब फिर से जेडीयू में रालोसपा का विलय हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की गूंज लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीच में नीतीश कुमार से रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी हुई और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में रालोसपा ने एक भी सीट नहीं जीता। तो अपने सियासी मुकाम को बचाने के लिए हो सकता है कि रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में विलय कर लें।